नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा तमंग प्रधान। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान में सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए भारत का समर्थन जारी रखने का दिलाया भरोसा। विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने के चीन के कदम को किया खारिज। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान में कहा, भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। नए नए नाम गढ़ने से वास्तविकता को नहीं बदल सकता चीन। सिक्किम के नाथुला बॉर्डर इलाके में भारी हिमस्खलन, अब तक 7 पर्यटकों की मौत की सूचना, 11 लोग बताए जा रहे घायल। बीआरओ ने हिमस्खलन में फंसे पर्यटकों के लिए शुरू किया बचाव अभियान, अब तक कई पर्यटकों को बचाया गया। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत के 3 दिवसीय दौरे पर है। अपने दौरे के दूसरे दिन आज भूटान नरेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों देशों के संबंधों पर चर्चा हुई। इससे पहले आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भूटान नरेश से मुलाकात की। श्री वांगचुक ने आज सुबह राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। भूटान नरेश के भारत दौरे को लेकर विदेश सचिव विनय मोहन वात्रा ने बताया कि भूटान नरेश से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसी देश में सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए भारत का समर्थन जारी रखने की बात कही। विदेश सचिव ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि भारत भूटान की 13वीं 55वर्षीय योजना के लिए अपना समर्थन तेज करेगा। विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने के चीन के कदम को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान में कहा कि यह पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि भारत इसे सिरे से खारिज करता है। श्री बागची ने जोर देकर कहा कि अरुणाचल प्रदेश देश का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है तथा नए नए नाम गढ़ने के प्रयास इस वास्तविकता को नहीं बदल सकते। यह प्रतिक्रिया मीडिया की उन खबरों के मद्देनजर आई है जिनमें कहा गया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का नाम बदल दिया है। सिक्किम के नथुला बॉर्डर इलाके में आज भारी हिमस्खलन हुआ है। इसमें 7 पर्यटकों की मौत की सूचना है जबकि 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीमा सुरक्षा संगठन बीआरओ ने ईस्ट सिक्किम जिले में जवाहरलाल नेहरू मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 310 पर अचानक हुए हिमस्खलन में फंसे पर्यटकों के लिए बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक कई पर्यटकों को बचाया गया है। नाथुला बॉर्डर इलाके में भारी हिमस्खलन हुआ है। इसमें 6 पर्यटकों की मौत हो गई है, 11 घायल बताए जा रहे हैं और गंगटोक को नाथुला से जोड़ने वाली सड़क पर ये हिमस्खलन बताया जा रहा है। और ये भी बताया गया कि कई और लोग भी यहाँ हो सकता है, आशंका है कि फंसे हुए हों। और करीब 350 पर्यटकों और 80 वाहनों को अब तक निकाला गया है। सेना और बीआरओ के जवान राहत कार्यों में इस वक्त जुटे हुए हैं। बर्फ में फंसे 22 पर्यटकों को बचाया गया है। उन्हें गंगटोक के एसटीएनएम अस्पताल और सेंट्रल रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सिक्किम के नाथुला बॉर्डर इलाके में ये हिमस्खलन बताया जा रहा है जिसमें 6 पर्यटकों की मौत हो चुकी है और 11 लोगों को घायल बताया जा रहा है। और एक बार लोअर दिबांग वैली के जिला मुख्यालय रोइंग में असम अरुणाचल सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्य के मंत्री स्तर की बैठक हुई। इस बैठक में अरुणाचल प्रदेश का नेतृत्व स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने किया जबकि असम का नेतृत्व कृषि मंत्री अतुल बोरा ने किया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में आलो लिबांग ने बताया कि रुकमो इलाके में सीमा विवाद पर चर्चा करने को लेकर यह बैठक की गई। इस मामले में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए दोनों पक्ष 5 अप्रैल से संयुक्त दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों राज्य के लोगों की संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए मैत्रीपूर्ण तरीके से सीमा विवाद को हल किया जाएगा।
टाटिक को वहाँ में गुवाहाटी में डिस्कशन हुआ है चीफ मिनिस्टर लेवल में, वहाँ में हम लोग फाइंड आउट किया है रुकमो का जो बाउंड्री में थोड़ा कुछ समस्या था, तो इसलिए पीसी के लिए वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोग को फिर दोबारा यहाँ वापस आना पड़ा है, तो उसको हम लोग आज डिस्कशन हो रहा है। तो इसलिए आज का फाइनल ये है, हम लोग फिर ज्वाइंट विजिट होना पड़ेगा। आज ऐसा बारिश का कारण से हम लोग ज्वाइंट विजिट नहीं हो पाए, तो वेदर सपोर्ट होने से हम लोग 5 तारीख से वहाँ ज्वाइंट विजिट होगा। तिनसुकिया का ये MLS होगा, वहाँ का DC होगा, वहाँ का DFOS होगा, और यहाँ रोइंग का भी लॉर्ड दिबांग वैली का भी, यही हम लोग का डिस्कशन है। क्योंकि हम लोग फिर भी सॉल्व हो जाएगा, असम और अरुणाचल तो बाय बाय है, पहले एक था, तो इसमें हम लोग कुछ गंदगर नहीं होगा। जहाँ में होगा इमिकेबल होगा, और हम लोग पब्लिक का सेंटिमेंट देख के ही करेगा, जो जहाँ में उसको हम लोग देख रहे। जैसे भी गुवाहाटी मुख्यमंत्री पर्यायर जी बैठक अनुष्ठित हुई, बैठक बहुत खी কনসেনসাস হয়েছে। মই আগতেও কৈছোঁ যে 12টা ৰিজিয়নেল কমিটি আছিল, 12খন, যদিও আমাৰ 8খন জিলা পৰিছে অৰুণাচলৰ 12খন জিলা, কিন্তু অসমেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 12খন ৰিজিয়নেল কমিটি কৰি দিছে। তাৰে ইতিমধ্যে 7খন ৰিজিয়নেল কমিটিৰ যি এলেকা, সেই এলেকাত থকা সীমা সমস্যা ইতিমধ্যে ৰিজলভ হৈছে, আৰু বাকী আছে 5খন ৰিজিয়নেল কমিটিৰ এলেকা, যাৰ ভিতৰত ৰুকমো পৰে। গতিকে আমি সেইদিনা সিদ্ধান্ত কৰিছিলোঁ যে গাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ভিলেজৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপত্তি নাই, অসমৰ যদি ইফালে আছে, অৰুণাচলৰ যদি এইফালে আছে, এইখিনি বুজাবুজি হৈ গৈছে। भाजपा की अरुणाचल प्रदेश इकाई के प्रवक्ता तेची नेचा ने आज ईटानगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पापुमपारे जिला परिषद से भाजपा के 9 जिला परिषद सदस्यों और कांग्रेस के 2 जिला परिषद सदस्यों का इस्तीफा अरुणाचल प्रदेश स्थानीय निकाय दल बदल रोकथाम कानून 2003 का उल्लंघन है और इस मामले में उन्हें अयोग्य करार देने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। भाजपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि जिला परिषद सदस्यों के दल बदल के मामले में पार्टी के कुछ नेताओं की भूमिका है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उन्होंने पापुमपारे जिला परिषद के सदस्यों सचिव से दल बदल मामले में FIR दर्ज करने की मांग की है। इस दिन बहुत कॉन्फिडेंस हुआ था, हमारा BJP का सिटिंग जिला परिषद चेयरपर्सन को बूथेड आउट किया, उन लोग को हम लोग 23 में एक पार्टी का वेब जारी किया था। जारी करने का बाद उन लोग 30 तारीख को रिजाइन दिया बोला, नो तो BJP एम जिला परिषद, कांग्रेस 2 जिला परिषद मिला के उन लोग BJP से रिजाइन दिया बोला, ये भी एक फौजदारी काम था। उसका बाद हम लोग उसको एक्सपेल कर दिया 9 BJP को। अभी उन लोग का जितना जो कारोबारी है, अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट आया, BJP प्रेसिडेंट लिखता है उन लोग मर्जर को एक्सेप्ट नहीं किया है। अब ये कागज है 3/4/2023, BJP प्रेसिडेंट PPA प्रेसिडेंट श्री भेंगिया कापा ने कहता है कि उसका वो मर्जर को एक्सेप्ट नहीं किया है। फिर यहाँ का पार्टी का डिटेल माइनस ऑफ मीटिंग है कि एक नंबर में बोलता है कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया, सेकंड जो है मार्जिन को एक्सेप्ट नहीं किया बोला, तब जो इंटरनल कमिटी फॉर्म किया कि उसका एसर्टेन करने के लिए, ये एक बहुत सा बड़ा डेमोक्रेसी में और जो बड़ा सा एक ये इरेगुलरिटी कमिट किया है ये पंचायत मेंबर लोग। आप देखिए, इसलिए जो अरुणाचल में एक कानून है, अरुणाचल प्रदेश लोकल अथॉरिटी प्रोहिबिशन ऑफ डिफेक्शन एक्ट 2003, अगर इस तरह का उन लोग किया गया है प्लस उसका डिस्क्वालिफिकेशन होने का बहुत संभव है। कोई हमारा पार्टी का सीनियर लीडर है, चेयरमैन है गवर्नमेंट में, कोई पार्टी का बहुत अच्छे पदाधिकारी लोग भी है, उन लोग डिफेक्शन को इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको भी सबूत के
सबूत हम लोग पूरा का पूरा निकल चुका है, उसका भी कानूनी पार्टी का नियम के अनुसार पर अनुशासन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुजरात के खेड़ में आयोजित माधोपुर मेला में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि भगवान कृष्ण की रुक्मिणी से विवाह के सिलसिले में इस मेले का आयोजन किया जाता है और यह अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात की संस्कृति के मेल को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि माधोपुर मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत का जीता जागता उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी अरुणाचल प्रदेश के मिसमी क्षेत्र की रहने वाली थी। बीते 26 मार्च को तिराप जिले के खोंसा जेल में आईआरबीएन कांस्टेबल वांगनियाम बोसाई की हत्या कर जेल से फरार हुए उग्रवादी संगठन एनएससीएन केएनएस के सदस्य रोक्सेन होमचा को अरुणाचल प्रदेश पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के संयुक्त ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया गया है। तिराप के जिला उपायुक्त हेंदो कारगा ने फरार उग्रवादी की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक करदाक रीबा की अगुवाई वाली टीम को बधाई दी है। बीते 26 मार्च को ही जेल से फरार हुए एक अन्य आरोपी टिटपू किटनिया उर्फ किटनल की गिरफ्तारी के लिए सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। वन रोक्सेन होमशा हु प्लेड फ्रॉम कोंसा जेल विथ एक राइफल after killing guard policeman on 26th of March 2023. From that day, operation has been carried out by state police under the command of SP Riba with the assistant of Assam Rifle CRPF an special task from state police. This morning at the wee hour, the accused has been apprehended and he is being brought to Kancha jail. And I am thankful to SP Kardak Riba and all the ranks and files of Assam Rifle, CRPF and Special Task Force deployed from Itanagar for the successful operation which has been carried out since last 26th of March. केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि अरुणाचल प्रदेश में पहली बार संसद खेल स्पर्धा की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत 25, 26 और 27 मार्च को जोनल लेवल पर संसद खेल स्पर्धा आयोजित की गई और आगामी 13, 14 और 15 अप्रैल को स्टेट लेवल पर संसद खेल स्पर्धा आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने स्पर्धा में भागीदार सभी एथलीटों को शुभकामनाएं दी है। offers a great opportunity for the promising sports persons to showcase their talent, learn from fellow athletes and gain valuable experience. I'm honored to be the chief guest at the opening ceremony and look forward to seeing you all there. Let's make this event a grand success and promote a healthy sports culture in our country. Thank you. Jai Hind. अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने सोमवार को चांगलांग जिले के दियुन में आईआरबीएन की दूसरी बटालियन के मुख्यालय में कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें मल्टीपर्पस हॉल, आउटडोर जिम, लेडीज बैरक, एमटी गैराज, अपग्रेडेड सोलर प्लांट, टाइप 4 क्वार्टर गेस्ट हाउस और एक कंप्यूटर लैब शामिल है। राज्य के सिविल एविएशन मंत्री नकाप नालो ने अपर सुबानसिरी जिले के नीलिंग सर्कल मुख्यालय में सोमवार को नए हेलीपैड का उद्घाटन किया। उन्होंने नीलिंग सर्कल के सर्किल ऑफिस बिल्डिंग और सीओ के सरकारी आवास की आधारशिला भी रखी।
इस अवसर पर स्थानीय विधायक तानिका सोकी, जिला उपायुक्त मीका न्योरी सहित कई अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। 24 कॉन्स्टिट्यूएंसी का अंदर ये एक इंटीरियर एरिया है, लेकिन इसी हेलीपैड माने कंप्लेन होने का और एक हेलीपैड फैसिलिटी होने का यहाँ नीलिंग सर्कल का आदमी का लोगों का बहुत फायदा होगा, क्योंकि कभी इमरजेंसी में या कभी किसी गेस्ट विजिट में हेलीकॉप्टर तो जरूरी है, इसलिए अभी हेलीकॉप्टर आने का सुविधा यहाँ मिलेगा और पब्लिक को फैसिलिटी मिलेगा। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग से विधायक मुचू मिथी ने आज कोरोनू स्थित गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में चाइल्ड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्री स्कूलिंग की व्यवस्था है। यह सेंटर जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से शुरू किया गया है। तो दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव व्हिच द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे पूरा डिस्ट्रिक्ट में लगभग 10 या 12 ऐसे सेंटर्स बनाया गया है, हमारे रोइंग पर भी, चेता में भी है। तो दिस इज अ वेरी गुड यू नो एनवायरमेंट फॉर किड्स जिसका उम्र 3 से लेकर 6 साल तक है। तो यहाँ पर बच्चों को एक सुरक्षित माहौल तो मिलता ही है, तो साथ और साथ यहाँ पे सीखने के लिए भी मिलता है। जो प्राइवेट स्कूल्स में जो प्ले स्कूल बोलता है, दैट सेम मॉडल हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड हियर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके आधार पे बेटर नरिशमेंट मिलेगा बच्चा लोग को, और व्हेन दे रेगुलर स्कूल पे जब उन लोग एडमिशन होगा, दे विल बी वेल वर्स्ड, थोड़ी अच्छी तरीका से उन लोग को स्कूल के बारे पता चलेंगे और जो थोड़ी ज्ञान होता है वो बेटर तरीका से कर सकता है। तो तागिन कल्चरल सोसाइटी और कई अन्य संगठनों के सदस्यों ने अपर सुबानसिरी जिले के जयराम में बन रहे मॉडल डिग्री कॉलेज के निर्माण कार्य का जायजा लिया। टीसीएस के अध्यक्ष लड़गी रिगिया और टीसीएस की महिला विंग के अध्यक्ष यातर नासी के नेतृत्व में संगठन के सदस्यों ने परियोजना एजेंसी से आग्रह किया कि कॉलेज भवन का निर्माण कार्य तय समय पर पूरा कर लिया जाए। अपर सुबनसिरी में कॉलेज फर्स्ट कॉलेज खोला है, यहाँ पे आया है तो यहाँ आके देखा है तो जगह तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है, सुंदर है। अगर इसमें कॉलेज शिफ्ट होता है तो और भी सुंदरता होगा इस कॉलेज में। और मैं गवर्नमेंट को मेरा वही अपील है कि सबसे पहले जो भी चीज़ इन देना है, कॉलेज खोलना है या सीओ हेडक्वार्टर खोलना है, तो भी इस मीडिया के थ्रू मैं बोलना चाहती हूँ, मैं अपनी जो सोच है, सबसे पहले रास्ता देने से ठीक है ना, रास्ता को आगे बना दीजिए, उसके बाद आप बाउंड्री वॉल बना दीजिए, उसके बाद आप क्वार्टर वो सब करने से ठीक है। नहीं तो ऐसे पान देगा, घर बनाओ बोलेगा, यहाँ पे रास्ता नहीं होगा, कॉन्ट्रेक्टर लोग भी बहुत प्रॉब्लम है ना, रास्ता कच्चा रोड होने से गिट्टी बालू वो सब वहाँ से दूर से लाने के लिए बहुत प्रॉब्लम भी होता है, इसमें इसी में उनका बजट भी उसमें ये नहीं होता। और अंत में आनंद लीजिए तवांग जिले के जेमीथांग के रास्ते में नजर आने वाले इस वाटरफॉल की खूबसूरती का। यह वाटरफॉल पर्यटकों को काफी आकर्षित कर रहा है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारी YouTube चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।